हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर इंटरव्यू 16 के 22 क्लास में। तो चलिए हम आज के इस क्लास में जान लेते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेबल्स को। हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर हम लोग टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक तरफ से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से आपको यहाँ पे मैं डेली एक नया क्लासेस, एक नया टिप एंड ट्रिक्स देता रहा हूँ। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे मैं 2-3 आज तरीके बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो। टेबल को क्रिएट, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेआउट ले लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ इंसर्ट के ऊपर आना है। इंसर्ट आने के बाद आप यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आप नंबर्स ऑफ रोज कॉलम क्या ऊपर ड्रैग करके भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये तो हमारा पहला तरीका है, ये बहुत आसान भी तरीका है। इसकी मदद से हम एक बार में जितने भी हमें रोज चाहिए, जितने भी कॉलम्स चाहिए, हम केवल इसके ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर हम ड्रैग करके क्लिक करेंगे और हमारा रोज तैयार हो गया। यहाँ पे रोज और कॉलम तैयार हो गए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी एक तरीका आपको और बताने वाला हूँ। मैं वापस इंसर्ट के ऊपर आऊंगा। यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इंसर्ट टेबल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, मैं इंसर्ट टेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। अब मैं नंबर ऑफ रोज की मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, मैं इसे 6 कर देता हूँ और ओके। मैं जैसे ही ओके करूँगा, यहाँ पे मुझे 6 रोज और 5 कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल गए। तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे ऑप्शंस भी देखने को मिलती है। मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस भी देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं। इन लोगों का काम क्या है? तो एक हेडर रो है यहाँ पे। अगर मैं हेडर रो को हटा दूँ तो क्या हुआ, अभी आपका जो एक रो था जिसे हाईलाइट किए हुए था, वो हमारे जो रो था वो हेड था, उसे मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। मैं वापस टिक करूँ तो हमारा जो हेडर रो है वापस यहाँ पर आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए बैंडेड रो है एक। अगर मैं बैंडेड रो को अगर मैं अनसेलेक्ट कर दूँ तो क्या हुआ, अभी आपने देखा। मैं आपको एक बार और करके दिखलाता हूँ। यहाँ देखिए, फिर देखिए अभी क्या हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो हमारा स्ट्रिप बना हुआ है, कलर्स का जो डिफरेंस आपको प्रत्येक रो में दिख रहा है वो हट जाता है जैसे मैं इसे अनचेक करता हूँ, और जैसे मैं इसे चेक करता हूँ वो फिर से आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे टोटल रोज, अगर मैं टोटल रोज के ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टोटल रोज को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें कोई कैलकुलेशन करते हुए आते हैं, मुझे नीचे उसका टोटल करना होता है, तो हम इस टोटल रो का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम की। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर जैसे कि कभी मैं नाम लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके जो नंबर उसने कितने गेन किए हैं, मैं इस तरह का टेबल्स बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह की फर्स्ट रो की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट कॉलम की मैं ज़रूरत पड़ती है। मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे एक लास्ट कॉलम का भी ऑप्शन है। मैं लास्ट कॉलम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इससे भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक है बैंडेड कॉलम। मैं बैंडेड कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखिए, अभी आपने नोटिस किया होगा जो हमारा कॉलम है वो बैंडेड हो गया। मैं इसे यहाँ से बैंडेड रो पहले बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो अभी मैंने बैंडेड रो जैसे बंद किया, मैंने बैंडेड कॉलम को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, मैं देखिए हमारा जो लाइन था वो जो अभी कलर डिफरेंस था वो किस तरह से, अगर मैं बैंडेड ड्रॉ करता हूँ तो हमारा जो लाइन कलर डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे मैंने बैंडेड ड्रॉ किया हमारा जो कलर डिफरेंस था वो इस लाइन में आ गया। तो ये यूज़ कर सकते हैं आप अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम या फिर फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम का आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल स्टाइल की, यहाँ पे मुझे नंबर्स ऑफ स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसे स्क्रॉल करके मैं नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसके ऊपर स्टाइल आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा वेस्ट मैच ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट है, दूसरा लाइट है, तीसरा मीडियम है और चौथा मैं बात करूँ तो डार्क है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो मैं अगर इसके ऊपर आता हूँ तो हमारा तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल का रंग कैसा हो गया है। मैं इसके ऊपर आऊँ तो हमारा टेबल का रंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर आऊँ तो हमारा टेबल का रंग बदल गया। अगर मैं लाइट के ऊपर आऊँ तो यहाँ देख सकते हैं लाइट कुछ हमारा इस तरह का है। फिर अगर मैं कुछ और डिफरेंट स्टाइल पे आऊँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार
आप यहाँ पे किसी भी कलर्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे शेडिंग की भी मिलती है और बॉर्डर्स की भी मिलती है और इफेक्ट्स की भी मिलती है, तो मैं इसकी भी बात आज कर ही लेता हूँ। मैं सेटिंग्स में आया तो यहाँ देख सकते हैं, मैं अगर इन सारे कलर्स को मैं अप्लाई नहीं करना चाहता तो मैं इसके ऊपर दूसरे कलर्स को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर्स है, मैं बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसकी चाहता हूँ बॉर्डर्स भी दे सकता हूँ। मैं ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करूँ फिर सारा बॉर्डर यहाँ से हट गया। मैं फिर से ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ सारा बॉर्डर यहाँ पे फिर से मुझे शो होने लगे। मैं बॉटम बॉर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे नीचे बॉटम में एक बॉर्डर आ गया है। मैं टॉप बॉर्डर की बात करूँ या फिर मैं इन साइड बॉर्डर की बात करूँ तो इन साइड में सारे जितने बॉर्डर थे वो यहाँ से हमें दिखने बंद हो गए हैं। मैं वापस नो बॉर्डर कर देता हूँ, हमारा सारा यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए हैं वापस। मैं इफेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सेल का कुछ ब्लिप्स मिलता है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ अपने टेबल्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शैडोज की, यहाँ पे कुछ शैडोज हमें दिए जाते हैं जैसे कि आप इन शैडोज का यूज कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं आपको ये चेंजेस दिख रहे होंगे, ये देखिए शैडो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद रिफ्लेक्शंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ये आपका जितना स्टाइलिंग स्किल है आप उसका अप्लाई यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इस तरह से अगर टेबल्स को यूज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो एक्सेल के टेबल्स को, एक्सेल के अंदर तो आपने देखा ही है कितने सारे उसमें रोज और कॉलम बने रहते हैं, हम उसका यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यहाँ इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट आपको दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपके सामने एक्सेल की एक स्प्रेडशीट को यहाँ पे लाकर रख दिया जाएगा। अब देख सकते हो ऊपर के हमारे सारे ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं। मैं इसे यहाँ से ड्रैग कर लूँ और इसके मैं साइज को बड़ा कर लूँ, ये देखिए। तो इसका हमें फायदा क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई कैलकुलेशन टेबल बनाना है तो हम यहाँ पे आसानी से वो बना सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमारा सारा कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म हो गया, हमें रिजल्ट शोन हो जाएगा। तो ये फायदा है कि हम यहाँ पे एक्सेल को यूज करें, हमें स्पेशल एक्सेल में जाके वहाँ टेबल क्रिएट करके यहाँ इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इंसर्ट के ऊपर आके टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर दूं। तो आज के हम लोग क्लास में सीखा टेबल्स को क्रिएट करना, जिसके में हम लोग एक्सेल के स्प्रेडशीट का भी आज हम लोगों ने इस्तेमाल करके देखा है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद जया। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।